लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार। नमस्कार। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रामचंद्र के केस में उसको आज सजा हो सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं, वो इतना क्रूर है क्या? भूल जाओ। देखो, तुम यहाँ नए आए हो इसलिए तुम्हें ये बात बिल्कुल समझ नहीं आएगी। कर्नल सूरज के कोर्ट मार्शल से आज तक कोई बच नहीं पाया है। पता नहीं रामचंद्रन का क्या होगा। सच्चाई के खिलाफ जो भी गलत काम करेगा उसको कर्नल सूरज सिंह सजा जरूर देंगे। रामचंद्रन का ये केस सैनिकों के लिए सबक साबित होना चाहिए। एक जवान के लिए सेंटिमेंट्स कोई मायने नहीं रखता है, सबको साथ मिलकर एडजस्ट करना चाहिए। सच्चाई और धर्म का हमेशा साथ देना चाहिए, सैनिक के लिए यही उचित होता है। वहीं रुको, तुम्हें अंदर किसने भेजा? मुझे पापा से मिलना है। देखो बेटा, आप यहाँ से चले जाओ। जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे पापा से मिलना है। मैं बहुत दिनों से पापा से। बेटा रोते नहीं है, आप जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे पापा बहुत अच्छे। रो मत बेटी। अरे क्या नाटक लगा रखा है, पता है ना बिना इजाजत के अंदर आना मना है, तो ये अंदर कैसे आ गई? ये बच्ची सीनियर ऑफिसर से मिलना चाहती है। काहे का सीनियर, वो एक खूनी है, उसे सीनियर मत कहो। मुझे मेरे पापा से मिलना। इस बच्ची को बाहर लेकर जाओ, किसी ने देख लिया ना तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जो कह रहे हैं वो सुनाई नहीं देता क्या? बस एक बार मुझे पापा। सुनो बेटी, तुम बाहर जाओ। बस एक बार मिलवा दो प्लीज। देखो रो नहीं, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, जाओ। मुझे पापा से मिलवा दो। जा बेटा। बेटी रो मत, बाहर चलो। चलो बेटी, आ जा बेटी, जिद नहीं करो, आ जा। उस बच्ची को देखकर मुझे बहुत तरस आ रही है। बच्ची का रामचंद्रन के अलावा कोई नहीं है। अब उस बच्ची का क्या होगा पता नहीं। तुम सब एक सैनिक हो, तुम ये क्या सेंटिमेंट्स लेकर घूम रहे हो? तुम सही कह रहे हो, एक मुजरिम पर रहम दिखाना हमारे आर्मी के रूल में नहीं है। सैनिक का दूसरा नाम होता है हिम्मत और धैर्य। अगर हम एक मुजरिम को देखकर कमजोर हो जाएंगे तो पूरा देश कमजोर हो जाएगा। कोई भी मुसीबत आए हमें डट कर सामना करना चाहिए। सर। Sit down. रामचंद्र को हाजिर किया जाए। Please sit down. So, sir.
मेजर अजयपुरी सर यू आर द गवर्नमेंट लीडर कोर्ट मार्शल की शुरुआत की जाए सर सर गार्ड्स जब ड्यूटी पर थे तब जवान रामचंद्रन ने जून 10 तारीख की रात को देखा कि गार्ड जंक्शन की तरफ तेजी से मोटरसाइकिल चलाते हुए दो ऑफिसर्स उनकी ओर आ रहे हैं तब इन्होंने सर्विस राइफल से उन पर गोली चला दी कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन कपूर उस हादसे में घायल हो गए थे दोनों ऑफिसर्स की हालत बहुत ज्यादा खराब थी उसके बाद मोहन वर्मा की मौत हो गई उस हादसे में कैप्टन कपूर भी बुरी तरह जख्मी हो गए थे उनके बाएं हाथ पर गोली लगी थी वहां मौजूद सारे लोग मिलकर कैप्टन कपूर को मिलिट्री हॉस्पिटल लेकर गए और इनका इलाज करवाया गया फिर ऑपरेशन करके बड़ी मुश्किल से गोली निकालने के बाद कैप्टन कपूर की जिंदगी बचा ली गई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक अगर गोली 2 इंच और अंदर जाती तो आज कैप्टन कपूर किसी भी हाल में जिंदा नहीं होते इसका मतलब जवान रामचंद्रन ने जानबूझकर दोनों को मारने के इरादे से गोली चलाई थी इंडियन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पीनल कोड 302 के तहत जवान रामचंद्रन का कोर्ट मार्शल करके उन पर मुकदमा चलाया जाए ताकि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सके दैट्स ऑल सर रामचंद्रन सर इनके कहने के मुताबिक कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन कपूर को तुमने मारने की पूरी कोशिश की यह जनरल कोर्ट मार्शल है इसका मतलब आप पर जो आरोप लगाया जा रहा है आप उसे कबूल करते हैं व्हाट डू यू से गिल्टी और नॉट गिल्टी गिल्टी और नॉट गिल्टी सर सर बैठ जाओ रामचंद्रन सर सरकारी वकील के पहले गवाह को हाजिर किया जाए मेजर अजयपुरी सर यू कैन प्रोसीड नाउ सर सर यस कैप्टन विकास रॉय व्हाट्स योर प्रॉब्लम मेजर अजयपुरी के गवाह से पूछताछ करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं कोर्ट मार्शल के पूछताछ के पहले विकास रॉय का कार्यक्रम शुरू हो गया है क्या आप क्या कहना चाहते हैं मेजर अजयपुरी ने आरोप लगाते हुए 2 बार जवान रामचंद्रन कहकर पुकारा तो फिर मुझे क्या कहकर पुकारना चाहिए जवान रामचंद्रन के बजाय सवार रामचंद्रन कहकर बुलाना चाहिए था इन्हें व्हाट डू यू मीन रामचंद्र सेना में जवान ही तो है फिर उसे जवान कहे या सवार रामचंद्र कहे इससे क्या फर्क पड़ता है वैसे दोनों में कोई फर्क नहीं है लेकिन आप इन्फेंट्री में कर्नल हैं तो क्या मैं आपको मेडिकल कर्नल बुला सकता हूं आर्म्ड फोर्स में वो सवार रामचंद्रन है इसलिए इन्हें सवार कहा जाएगा जवान नहीं इज इट करेक्ट सर या कैप्टन विकास का कहना बिल्कुल सही है इसे जवान रामचंद्र के बजाय सवार रामचंद्र बुलाना बिल्कुल सही होगा यू आर राइट कैप्टन रॉय थैंक यू सर टेक्निकली किसी को मुजरिम ठहराने के लिए कोर्ट मार्शल का वक्त जाया करना डिफेंस काउंसिल का इरादा रखता है वक्त जाया कर रहा हूं किसी को बेगुनाह साबित करने के लिए बहस करना वक्त जाया करना कैसे हो गया गलत सही क्या है ये बताने वाला मैं कौन होता हूं और फिर मुझसे सीनियर ऑफिसर्स यहां पर बैठे हुए हैं मेरा मानना है यहां पर बहस करने का मकसद ये बिल्कुल नहीं कि हम किसी को सजा देना चाहते हैं बल्कि इस पूरे हादसे के पीछे सच्चाई को जानना ही हमारा मकसद है और ये जो सच है ये थोड़ी देर के लिए छुपाया तो जा सकता है लेकिन ये बाहर जरूर आता है कभी भी आ सकता है कैप्टन रॉय सर एक बात ध्यान से सुनो ये कोर्ट मार्शल है ये कोई नाटक कंपनी नहीं पक्ष विपक्ष की बातों के जरिए बहस करके कोर्ट का वक्त जाया करने का अधिकार यहां किसी को नहीं दिया गया है डू यू अंडरस्टैंड सिर्फ रामचंद्रन के कोर्ट मार्शल के बारे में पूछताछ की जाएगी एंड इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी इस कोर्ट मार्शल का प्रेसाइडिंग ऑफिसर मैं हूं कर्नल सूरज सिंह डोंट यू एवर फॉरगेट दैट सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को एडवोकेट जनरल ने भी समर्थन दिया है सो व्हाट अगर सोचेंगे कि इस मामले में बहस करके कोर्ट का वक्त जाया हो रहा है तो बहुत मुश्किल होगी आई स्टिक टू व्हाट आई से तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग यहां बैठकर सिर्फ कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं अगर ऐसी बात है तो आप मेरी जगह किसी और को रख सकते हैं सर डोंट थ्रेटन मी सभी लोग जानते हैं
कि खूनी रामचंद्रन ही है। जो अखबार में आया और सुनाई दिया वो सब यही है, रामचंद्रन ने ही किया है और इस बात को इसने खुद स्वीकारा है। इतना ही नहीं, इस कोर्ट में बैठे सभी लोगों को पता है, इस दुनिया में जो लोग हैं उन सबको पता है कि खून जिसने किया है वो रामचंद्रन ही है। इसके बाद इसको जवान रामचंद्र या सवार रामचंद्र कहके पुकारे क्या फर्क पड़ता है? तो सर, पक्ष विपक्ष के बहस होने से पहले ही आपने तय कर लिया है कि खूनी यही है, तो फिर इस कोर्ट मार्शल और इस नाटक की क्या जरूरत है? कैप्टन विकास रॉय, यूज प्रॉपर लैंग्वेज। मेरे ख्याल से आप न्यूज नहीं पढ़ते हैं जो अखबार में छपी होती है। अखबार में जो भी न्यूज आते हैं वो हमेशा सच नहीं होते। तो तुम कहना चाहोगे अखबार झूठ छापता है? अखबार में जो छपते हैं वो सच्चाई के खिलाफ है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन कटघरे में जो शख्स खड़ा है वो शख्स गुनहगार है या बेगुनाह है, कोर्ट में इस पर बहस करने के बाद ही इस पर फैसला किया जा सकता है सर। इससे पहले हम इस पर कार्यवाही करने के लिए इसे अक्यूज मान सकते हैं। सर, नाउअडेज न्यूज़पेपर डोंट गिव न्यूज, दे एक्सप्रेस जस्ट देयर व्यूज। यू प्लीज सिट कैप्टन रॉय। सर,